दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मोबाइल फोन में यूज होने वाले सीपीयू के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको मोबाइल फोन में यूज होने वाले सीपीयू के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, पहले जो पुराने मोबाइल थे उसमें लोग सीपीयू का उतना महत्व नहीं देते थे। पहले कोई भी डिवाइस की स्पीड या डिस्प्ले की पिक्सल के संख्या के बारे में उतना परवाह नहीं करता था, बस एक ब्रांड और डिजाइन के कारण ही मोबाइल एकदम लोकप्रिय हो जाता था। लेकिन आज के मोबाइल फोन उद्योग एक कंप्यूटर बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। मोबाइल कंपनियां हमेशा इस बारे में बातें करती है कि मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपकी जेब में जो मोबाइल है, वो एक कंप्यूटर की तरह ही है। और स्मार्टफोन की जो नवीनतम इस बढ़त को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि स्मार्टफोन पीसी से भी आगे निकल सकता है कल के दिनों में। तो क्या ऐसी कारण है जो स्मार्टफोन पीसी से कंपटीशन कर रहा है और पीसी से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? तो इसका मेन वजह है सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर की तरह सीपीयू की बड़े बदलावों के माध्यम से मोबाइल आज इस मुकाम पे है। दोस्तों, आपका स्मार्टफोन का जो कैमरा, स्क्रीन रिजोल्यूशन, ऐप और ओएस और जितने भी फंक्शन है, वो सभी आप तभी उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी सीपीयू अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि ये सभी को चलाने का काम सीपीयू करती है। तो इस वीडियो में मैं एक मोबाइल में यूज होने वाले सीपीयू के बारे में एकदम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है साहिल यादव और आप ये वीडियो रिप्ट्रॉनिक्स चैनल पे देख रहे हैं। समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो दोस्तों, आपको क्या होना है, आसान या परेशान? तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाएं घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे। तो एक प्रोसेसर ये समझता है कि आप अपने स्मार्टफोन से क्या कराना चाह रहे हैं। मूलतः यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के मुताबिक मोबाइल की आवश्यक फंक्शन को चलाने और बंद करने का काम सीपीयू करती है। दोस्तों, सीपीयू की काम करने की क्षमता, जिसे कोर भी कहा जाता है, और स्पीड के मुताबिक ही मोबाइल किसी भी फीचर को तेजी से चलाने में समर्थ होती है। तो आपका मोबाइल अगर तेजी से काम कर रहा है तो आपका मोबाइल के अंदर का जो सीपीयू है वो बढ़िया हो, तभी आपका मोबाइल तेजी से काम कर सकता है। पुराने मोबाइल एक लैंडलाइन की तरह है दोस्तों, जो सिर्फ फोन और कुछ बेसिक फंक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन आज के स्मार्टफोन जिसमें पावरफुल सीपीयू लगे होते हैं, वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिनमें टेलीफोन के क्षमताओं के साथ साथ आपके ऐप, कैमरा, टच स्क्रीन रिजोल्यूशन, जीपीएस, ब्लूटूथ, सेंसर आदि सभी फीचर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। और प्रोसेसर एक दिमाग की तरह है, जिसके कहने पर ही मोबाइल की ये सभी फंक्शन इनेबल और डिसेबल होती है। आज जितने भी महंगे मोबाइल बाजार में आती है, सभी में पावरफुल प्रोसेसर लगे होते हैं और प्रोसेसर के मुताबिक ही सभी पार्ट्स काम करने की गति निर्धारित किया जाता है। तो जिस मोबाइल में अच्छी और पावरफुल प्रोसेसर है, उसका फंक्शन बहुत ही तेज होता है। दोस्तों, तो प्रोसेसर का जो कोर होता है, एक मुख्य तत्व है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ता है और उसे कार्यान्वयन करता है। कोर का मतलब होता है काम करने वाला। दोस्तों, जैसे कि मानिए आपको कोई काम करने के लिए कम से कम एक आदमी, एक इंसान चाहिए, लेकिन अगर एक ही काम के लिए आपके पास दो या ज्यादा इंसान है, तो आप उस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं और आसानी से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह सीपीयू में सिर्फ एक कोर हो तो उसी एक कोर को पूरे काम, मोबाइल की जितने भी फंक्शन है, उसी सभी फंक्शन को एक ही कोर को चलाना पड़ता है। लेकिन अगर सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा कोर हो तो डिफरेंट काम को डिफरेंट कोर को लगा के आसानी से और बहुत जल्दी ही काम कर सकता है। और इसी तरह अभी जो यूज होने वाले सीपीयू है, वो डुअल कोर मतलब दो कोर वाले, या क्वाड कोर चार कोर वाले, या हेक्सा कोर जिसमें छह कोर होती है, और अक्टा कोर, इस तरह की सीपीयू अभी मार्केट में अवेलेबल है जो हमारे मोबाइल और टेबलेट्स में यूज होती है। तो इसका मतलब है कि कई कोर आपके अनुभव को तेज बनाते हैं। जैसे मानिए एप्स जल्दी से लोड होते हैं, एचडी वीडियो और बिना रुके ब्राउज कर सकते हैं, एनिमेशन और वीडियो को आसानी से खोल सकते हैं। एक ही टाइम में अगर ये सभी काम करना हो तो आपको मल्टी कोर वाले प्रोसेसर का जरूरत होता है।
तो अधिक कोर वाले जो मोबाइल में लगे प्रोसेसर होती है वो बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। तो मोबाइल या टेबलेट की खरीदते समय प्रोसेसर का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। तो मोबाइल आप जिस तरह की प्रयोग के लिए लेने की सोच रहे हैं उसी तरह की प्रोसेसर लेने की सोचें। यदि आप मोबाइल को तेज गति और मल्टीटास्किंग के लिए ले रहे हैं तो जो मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर, जैसे कि अक्टा कोर या उससे थोड़ी कम कोर वाले हेक्सा कोर, इस तरह का प्रोसेसर वाले मोबाइल आप ले तो बेहतर। तो दोस्तों, कोर एक ऐसी चीज है जो सीपीयू को फास्ट काम करने में बहुत हेल्प करती है, और कोर के अलावा मोबाइल फोन में जो फास्ट काम करती है वो होता है सीपीयू का स्पीड। तो आप कोर के अलावा उस सीपीयू का स्पीड को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो है वो कोर है। तो मोबाइल में यूज होने वाले कुछ प्रोसेसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ये जो A10 लिखा हुआ है, ये आपको आईफोन में यूज होने वाली प्रोसेसर है। क्वालकॉम डिफरेंट चाइनीज और ब्रांडेड मोबाइल में यूज होने वाले हैं, चाइनीज प्रोसेसर है दोस्तों। हेलियो मीडिया टेक भी चाइनीज प्रोसेसर है। सैमसंग में यूज होने वाले एक टाइप को इनोस प्रोसेसर है। तो दोस्तों, ये था मोबाइल फोन में यूज होने वाले प्रोसेसर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद भी बहुत सारी जानकारियां आपको प्रोसेसर के बारे में लेनी होगी, उसके लिए मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करें।